Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. हर साल किसानों का बजट जो पेश किया है, क्योंकि पहला बजट होता है, अब हर साल अलग ही बजट पेश किया जाएगा किसानों का। और युवाओं के लिए मैंने कहा, युवाओं को, छात्रों को, बच्चों के लिए हम इस बार ये कोशिश करेंगे कि प्रायोरिटी मिले बजट के अंदर। और किसानों का बजट अलग पेश होगा, धीरे धीरे किसानों में और जागृति आएगी कि सरकार जब अलग बजट पेश कर रही है तो हम नए नए सुझाव दें उनको, और उसी ढंग से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। डेमोक्रेसी के अंदर सरकारों पर दबाव पड़ना जरूरी होता है, आलोचना भी होती है, कमी बताई जाती है, हम उनको वेलकम करते हैं। हम एनडीए गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, उसकी तरह नहीं है कि आलोचना को बर्दाश्त करो, असहमत व्यक्त करे तो आप जेल जाओ, देशद्रोही हो, राजद्रोही हो। कई पत्रकार के, साहित्यकार के, लेखक, में बार बार बोलता क्यों हूं कि सच्चाई है जनता को मालूम पड़ना। जेल बैठे हुए हैं लोग, आज आपको हमको गिनती नहीं मालूम है, घटना दुर्घटना सुनते रहते, पढ़ते रहते हैं। तो ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं है, मतलब ये शुभ संकेत नहीं है। हम चाहते हैं कि एक बजट पेश किया, अब धीरे धीरे उनके दबाव बढ़ेगा सरकारों पर, अच्छे चुनाव आएंगे, फिर अपना एलोकेशन बढ़ेगा। इस प्रकार से राजस्थान में खेती को लेके इरिगेशन एक तरफ आगे बढ़े। हमने इंदिरा गांधी कैनाल की जो मरम्मत का काम था, पीटी में इतना बड़ा काम हुआ है राजस्थान के अंदर, आज सब तारीफ कर रहे थे, उसके कारण कितना रकबा बढ़ गया खेती का, पानी वेस्ट जाता। आज भी जो हमें हमारी कैपेसिटी कम होने से जो पानी में मिलना चाहिए उतना पानी ले नहीं पा रहे हम लोग। तो कहने का मतलब सिंचाई के साधन बढ़े, किसानों की आय दुगनी करने की बात तो कर दी प्रधानमंत्री जी ने, हो कहा रही है। उसके लिए भारत सरकार को क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए, राज्यों के साथ मिलकर बात करनी चाहिए, क्या क्या कदम उठाए हैं। जैसे मैंने जो वादा किया देशवासियों से कि दुगनी आमदनी करेंगे 2022 तक, 22 में जा रहा है, दुगनी आमदनी होगी क्या उनकी? और खाली कोई राज्य नहीं कर सकता है, जब तक केंद्र राज्य मिलकर के ऐसी योजनाएं बनाए, ऐसी सोच डेवलप करे जिससे कि आमदनी डबल हो, इसमें हम चाहते हैं कि आगे बढ़े हम लोग जितना कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें मीटिंगों में एक से बढ़ के एक सुझाव दिए, सब अनुभवी किसान लोग आए थे, अच्छा लगा हम लोगों ने, हमने उनका स्वागत भी किया। और बाकी जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम है, चाहे वो राइट टू हेल्थ है, हम चाहते हैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी पूरे देशवासियों को स्वास्थ्य का अधिकार दे, दवाएं में पैसा खर्च नहीं हो, इलाज फ्री हो देशवासियों का, हमने शुरुआत कर दी है। हम चाहते हैं कि ऐसी स्कीमें जो है, सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन मिलती है 1500 रुपए यहाँ पर भारत सरकार देती 200 रुपए देती उसके अंदर। हम चाहते हैं कि आप पूरे देश के अंदर नीति बनाओ पेंशन की, 21st सेंचुरी में आगे हैं, दुनिया के मुल्कों में घर बैठे हुए वीकली पैसा आता है, जो निजी परिवार होता है हर आदमी को जिंदा रहने का हक है। मैंने कोरोना में कहा था कोई आदमी भूखा नहीं सोए, मुझे खुशी है प्रदेशवासियों ने, एक्टिविस्ट ने, एनजीओ ने, धर्मगुरुओं ने और सब कार्यकर्ताओं ने उसको निभाया। तो जो आज मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी 4 दिन पहले भारत सरकार को, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, जो बात हमने कही वही वर्ड काम लिए, सुप्रीम कोर्ट ने काम लिए। इसके माने क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है देश के अंदर कोई भूखा नहीं सोए, उसके लिए आपको सोशल सिक्योरिटी का आवश्यकता है। तो जमाना बदल गया, अब आपको चाहिए एक मजदूर भी मजदूरी करता कर थक जाता है, उसका सही साथ नहीं देता, वो क्या काम करे। तो कम से कम सरकार को चाहिए कि उसको वीकली पैसा मिले, पेंशन अच्छी मिले, उसको स्वाभिमान जी सके, वो जिंदगी निकाल सके बच्ची बुढ़ापे के अंदर। इसीलिए ओपीएल लागू हमने किया, ओपीएल की मांग किसी ने नहीं करी, हमने लागू किया उसको। ये मान्य दृष्टिकोण है, 35 साल नौकरी करता है, फिर वो तरसता है बॉम्बे में स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पेंशन मुझे कितने मिलेगी मालूम नहीं किसी को। आज वहां हिमाचल के अंदर आंदोलन किया कर्मचारियों ने, आज सरकार कांग्रेस की बनी है, अच्छा कैंपेन हुआ, अच्छा मैनेजमेंट था, अच्छे टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए, प्रियंका गांधी खुद गई कैंपेन करने, पर साथ में जो ओपीएस था, ओपीएस की बहुत बड़ी भूमिका थी वहां चुनाव जिताने के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय को
मोदी जी वो कुछ काम ऐसे हैं जो राज्य सरकारें और केंद्र मिलकर कर सकती है। जैसे कोरोना में करने का प्रयास किया गया उसी ढंग से सोशल सिक्योरिटी पेंशन का काम है, राइट टू हेल्थ वाला काम है, शिक्षा का काम है, इसमें हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। उड़ान हमने योजना चालू की है, लोग संघों ने बोलते नहीं है। गांव की महिला घूंघट के अंदर रहती है, इन्फेक्शन होते हैं उनके, बांझ हो जाती है, बच्चा पैदा नहीं होता है, बीमारी कैंसर हो जाता है उनको, बोलती नहीं वो घर में, संकोच होता है सदियों से। राहुल जी अब वो टाइम छोड़ो उसका, अब टाइम आ गया कि आप एक पत्रकार मुझे कहा, मेरी बेटी मुझे कहती है पापा जब आप आओ तो नैपकिन लेके आना, कुछ संकोच की बात नहीं रही। हमने 12 नैपकिन प्रति माह दे रहे हैं हम लोग महिलाओं के लिए, सभी को, सभी प्रदेशवासियों महिलाओं को, तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम वो भी है। अब पब्लिक को चाहिए कि वो कम से कम हमारी योजनाओं का लाभ उस गरीब तक पहुंचाए, जिस गरीब को मालूम नहीं होता योजना है क्या। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार धीरे धीरे लोगों तक बात पहुंचे। राहुल जी की यात्रा में रहे अब सोनिया जी और प्रियंका जी भी जुड़ रही हैं महिलाओं के साथ, किस तरीके से आप राजस्थान में? नहीं, वो यात्रा तो बहुत कामयाब रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी विचलित हो गई है, चिंतित हो गई है, इसलिए यात्रा को बदनाम करने के लिए बहुत हथकंडे अपनाए गए, पर यात्रा का कारवा चल पड़ा है। तो मांग क्या, महंगाई, बेरोजगारी और शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत, हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो मांग की बातें करें राहुल गांधी करें, तो उसका तो पूरा कारवा मैं समझता हूँ कि जो लाखों लोग जुड़ रहे हैं